अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वीक 6 के ऊपर और वीक 5 वीक 6 के ऊपर डीएलडी के अंदर। हमने लास्ट टाइम जब डिस्कशन की थी तो उसमें हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइनिंग को डिस्कस करना शुरू कर दिया था। अब उसी को हमने कैरी ऑन करना है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले एग्जाम्पल है वो है 2-bit कंपैरेटर, जिसको हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। 2-bit कंपैरेटर क्या है? कंपैरेटर का काम होता है कंपेयर करना, वो दो नंबर्स को कंपेयर करता है। हम जिन दो नंबर्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं, कंडीशन ये है कि वो दोनों नंबर्स दो दो बिट के होंगे। ए भी एक 2-bit नंबर होगा और बी भी एक 2-bit नंबर होगा। आपको पता है कि जब दो नंबर्स को कंपेयर किया जाता है तो तीन रिजल्ट्स आते हैं, या तो वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या ए ग्रेटर होगा बी से, या ए लेस होगा बी से। वही यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि ये तीन कंडीशंस हैं। और अब वो दो नंबर्स थे, पहला नंबर ए जो कि 2-bit का था तो ये 2 bits ए के लिए, और अगला नंबर बी वो भी 2-bit का था तो ये 2 bits बी के लिए। तो अब इसकी ट्रुथ टेबल की तरफ हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके ट्रुथ टेबल है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले 2 bits ए के लिए हैं, अगले 2 bits बी के लिए हैं, और ये वो तीनों रिजल्ट्स हैं। कुछ कंडीशंस को रैंडम देख लेते हैं। अब ये एक ए के पूरे की बाइनरी है, ये बी की बाइनरी है, तो इस वक्त ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी 0, दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट 1 होगी, बाकी दोनों 0 होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 0101 की बाइनरी होती है, तो ए लेस देन बी है, यानी 0 लेस देन 1 है। ये कंडीशन ट्रू है तो ये 1 हो गए, बाकी दोनों 0। इसी तरह से कोई और कंडीशन देखते हैं, फॉर इंस्टेंस ये कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 0102 की बाइनरी होती है। आई होप अब आपको बाइनरीज में कम से कम कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। तो 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारे पास आउटपुट 1 हो गई। फिर इसी तरह यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है, दोनों बराबर हैं, सेकंड कंडीशन ट्रू, तो आउटपुट 1 होगी। यानी जो कंडीशन आपकी ट्रू है उसको आपने 1 कर दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे ए की वैल्यू है 1 1 1 1 3 की बाइनरी होती है और बी की वैल्यू है 0 1, तो 1 1 3 की बाइनरी और 0 1 1 की बाइनरी 3 इज ग्रेटर देन 1, इन ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट 1 होगी। इसी तरह यहाँ पे ए की वैल्यू भी 3 है, बी की वैल्यू भी 3 है, दोनों इक्वल है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो उसकी आउटपुट 1 होगी। अब ये तीन आउटपुट्स हैं, तो हम इन तीन आउटपुट्स के लिए इक्वेशंस बनाएंगे और वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे इनपुट्स के, तो 4 इनपुट्स हैं, तो 4 वेरिएबल के मैप्स हमारे पास बनेंगे। उस हिसाब से जो इक्वेशंस बनती थी ऐसा, वो ये मैंने लिखती हैं। अब हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी, मैं आपको देख के यहाँ पे 1s प्लेस किए हैं, एक ये 4 वाला पेयर बना, एक ये 2 वाला पेयर बना, और ये एक एक्सट्रीम कॉर्नर का 2 वाला पेयर बन गया हमारे पास। तो इसलिए इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ए ए 1, 2 वेरिएबल्स हैं, और यहाँ से आ जाएगा बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट, बी 1 का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह जो ये 2 वाला पेयर है, इसमें यहाँ पे जो वैल्यू फिक्स है दैट इज ए नॉट और वो 1 है, उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, और यहाँ पे बी 1 और बी नॉट दोनों 0 है, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह ये जो एक्सट्रीम कॉर्नर का 2 वाला पेयर है, इसमें ए की वैल्यूज दोनों फिक्स हैं, ए 1 ए नॉट दोनों 1 है, किसी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे है वैल्यू 0 0 और 1 0, तो बी नॉट की वैल्यू फिक्स है वो 0 है, तो उस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, फिर ए इज इक्वल टू बी में आ जाते हैं, इसमें ये चारों डायगनल में, और आपको पता है कि डायगनल में कोई पेयर नहीं बनता, तो इनमें जो ए 1 ए नॉट बी 1 बी नॉट की वैल्यूज बनती है उनको एज ए डिस्प्यूट करेंगे। फॉर इंस्टेंस पहले कंडीशन में ए 1 और ए नॉट दोनों 0 है, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, बी नॉट और बी 1 भी दोनों 0 है, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, तो ये पहली टर्म आ गई। फिर दूसरी टर्म ए 1 का कॉम्प्लीमेंट, ए नॉट बी 1 का कॉम्प्लीमेंट और बी नॉट। इसी तरह यहाँ पे चारों 1 से किस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, इसी तरह यहाँ पे आएगा ए 1 ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट, बी 1 और बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर ए लेस देन बी, उसमें हमारे पास एक ये 4 वाला पेयर बना, एक ये 2 वाला पेयर बना और एक ये 2 वाला पेयर बना, तो जो ये 4 वाला पेयर है इसके लिए मेरे पास आ जाएगा यहाँ से ए 1 का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से आ जाएगा बी 1 का कॉम्प्लीमेंट। जो ये 2 वाला पेयर है इसके लिए आएगा ए 1 का कॉम्प्लीमेंट, ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से आएगा बी नॉट। और जो ये 2 वाला पेयर है इसके लिए यहाँ से आ जाएगा ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से बी 1 बी नॉट। तो तीनों इक्वेशंस आ गई हैं। फिर उसके बाद आ जाएगी सर्किट डायग्राम।
तो ये आ गया हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम, ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने एक इवन ऑड डिटेक्टर बनाना है। इवन ऑड डिटेक्टर क्या काम करता है? इवन ऑड डिटेक्टर ये काम करता है कि आप उसके इनपुट पे जो भी नंबर देंगे वो चेक करेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो 3 बिट इवन नंबर या ऑड नंबर डिटेक्टर आपने बनाना है, तो 3 इनपुट्स होंगी। अब आउटपुट के ऊपर आपने सिर्फ डिटेक्शन करवानी है, तो ज़ाहिर है एक पिन इवन के लिए हो जाएगी और एक ऑड के लिए हो जाएगी। तो जब यूजर इवन नंबर एंटर करेगा तो इवन वाली आउटपुट 1 हो जाएगी टू इंडिकेट कि यूजर ने इवन नंबर एंटर किया, और जब ऑड नंबर एंटर करेंगे तो फिर ऑड वाली जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगी टू शो कि यूजर ने ऑड नंबर टाइप किया है। तो 3 हमारे पास इनपुट्स होंगे और 2 हमारे पास आउटपुट्स होंगे। ट्रुथ टेबल पे आ जाते हैं। 0 0 0 0 की बाइनरी है, वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर 1 हो गया और ऑड 0 हो गया। 0 0 1 ये 1 की बाइनरी है, तो 1 इज एन ऑड नंबर, उसकी आउटपुट 1 होगी, ये 0। 0 1 0 ये 2 की बाइनरी है, 2 इवन नंबर है, तो आउटपुट 1 हो गई इवन वाली, ऑड वाली 0 हो गई। फिर 0 डबल 1, 0 डबल 1 हमारे पास 3 की बाइनरी है, 3 ऑड नंबर है, तो वो 1 हो गया। 1 डबल 0 4 की बाइनरी है, वो इवन है, तो ये 1 हो गया। 1 0 1 5 की बाइनरी है, ऑड नंबर है। 1 1 0 6 की बाइनरी है, जो कि एक इवन नंबर है, और 1 1 1 7 की बाइनरी है, जो कि एक ऑड नंबर है। एक आपकी क्वेश्चन बनेगी इवन के लिए, एक बनेगी ऑड के लिए। एसओपी बनाएं या पीओएस बनाएं, आपकी मर्जी है। मैंने एसओपी क्वेश्चन से बनाई है। फॉर इंस्टेंस इवन नंबर को देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट आ जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और नेक्स्ट आ जाएगा ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ये सारे टर्म्स प्लस हो गए। ऑड के लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, फिर इसी तरह नेक्स्ट ऑड के लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, नेक्स्ट के लिए ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, और लास्ट ऑड के लिए ए बी सी, फिर ये आपस में प्लस हो गए। ओके, उसके बाद फिर इनको के मैप में पुट करेंगे। 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल के मैप बनाया। इसमें एक्सट्रीम कॉर्नर का 4 वाला पेयर बना है, और जो वैल्यू थ्रू आउट फिक्स है दैट इज सी, और वो 0 है, तो उस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है सॉरी जो ऑड वाली हमारे पास इक्वेशन बनती है, उसमें ये 4 वाला पेयर है, और इसमें जो वैल्यू फिक्स है दैट इज सी, और वो 1 है, तो उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। और फिर ये आ गई उसकी आउटपुट की इक्वेशन। ओके, अब आपने जो सर्किट नेक्स्ट डिज़ाइन करना है वो क्या करेगा, वो नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा। यूज़र ने यूज़र से 3 बिट इनपुट लेगा, और वो देख के बताएगा कि ये जो 3 बिट इनपुट है इसमें एक वक्त में यूज़र ने कितने नंबर ऑफ वंस एंटर किए हैं, तो उसका बाइनरी रिजल्ट आउटपुट के ऊपर दे देगा। तो इनपुट्स तो 3 होंगी, आउटपुट्स कितनी होंगी? देखिए 3 बिट में मैक्सिमम क्या हो सकता है, कितने नंबर ऑफ वंस हो सकते हैं? 3। तो 3 की बाइनरी क्या होती है? 1 1 1, तो वो 2 बिट में हमारा काम बन जाएगा, राइट, मैक्सिमम केस के लिए भी। तो इसलिए हमारी 2 आउटपुट्स आ गई। इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले यूजर ने कोई भी 1 एंटर नहीं किया, तो आउटपुट्स पे 0 आ गया। अब यहाँ पे यूजर ने 1 1 एंटर किया, आउटपुट के ऊपर से काउंट बताना था कि यूजर ने कितने वंस टाइप किए। 1 1 टाइप किए, 1 की बाइनरी 1 होती है, अगर उसको 2 बिट में लिखे तो दैट इज 0 1। फिर नेक्स्ट है 0 1 0 0, इसमें भी 1 1 है, तो आउटपुट पे 1 आ गया। 0 डबल 1, 2 1s एंटर किए हैं, तो 1 0 2 की बाइनरी, यहाँ पे फिर 1 1 एंटर किया है तो 1 की बाइनरी, यहाँ पे 2 1s एंटर किए हैं तो 2 की बाइनरी, यहाँ पे भी 2 1s एंटर किए हैं 2 की बाइनरी, यहाँ पे 3 1s एंटर किए तो 3 की बाइनरी। फिर इन दोनों के लिए आउटपुट इक्वेशन आ गए मेरे पास, और उसके बाद इन इक्वेशंस को हमने किया सिंप्लीफाई। तो एक्स नॉट में देखें, ये डायगनल में है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, इक्वेशन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। और ये एक्स वन में 3 का पेयर नहीं बनाना, एक ये दो वाला पेयर, एक ये दो वाला पेयर, और एक ये दो वाला पेयर। तो इसके लिए इक्वेशन आएगी ए सी, इसके लिए आएगी बी सी, और इस ब्राउन वाले के लिए आएगी ए बी, फिर ये हो जाएंगी प्लस, और ये आ गई इसकी सर्किट डायग्राम हमारे पास, राइट। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, लेकिन इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन्स होती हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।